तो अगर मुझे फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मुझे मैथ्स की जरूरत पड़ेगी, और मैथ्स हमें बेसिक जो चीजें हैं वो आनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग फिजिक्स को सबसे पहले पढ़ने से पहले मैथ्स हम लोग पढ़ते हैं, और ये हमारा नीड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसीलिए इसको मैथमेटिकल टूल हम लोग बोलते हैं। मतलब फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने, फिजिक्स क्या है बेसिकली, कॉन्सेप्ट है ना, फिजिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट है। एक बार तुमने कॉन्सेप्ट लगा लिया, अब बाकी क्या रह जाता है, कैलकुलेशन। जैसे कि अगर कोई अर्थ है और कोई सन है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, दिस इज कॉन्सेप्ट। कितने फोर्स से, कितने मैग्नीट्यूड से अट्रैक्ट कर रहा है वो कैलकुलेट करना, डेट इज अनदर पार्ट ऑफ द फिजिक्स विच इज कैलकुलेशन, है ना। तो वो कैलकुलेशन मैथ्स के हेल्प से होगा, और मुझे फिर मैथ्स के हेल्प से वो सारे के सारे काम करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें तो आने चाहिए ना मैथ्स, इंटीग्रेशन जैसे हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, तुम्हारा वेक्टर हो गया। तुम्हें पता ही नहीं होगा किस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाना है, किस तरीके से लगाना है, अगर यही नहीं पता होगा तो तुम फिर कर नहीं पाओगे काम। तो इसीलिए सबसे पहले ये सब चीज हम लोग सीखते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। तो मैथ्स का बेसिक चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन से। तो मैथमेटिकल टूल चैप्टर है, और इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन क्या चीज है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक सिंपल वे में अगर बोला जाए फंक्शन क्या है, तो अगर कोई वेरिएबल है इनपुट, और अगर कोई एक वेरिएबल है आउटपुट, तो ये क्या करता है, इनपुट और आउटपुट में एक रिलेशन प्रोड्यूस करता है, बराबर। तो अगर हमारे पास लेट से एक मशीन है, सिंपल सी भाषा में अगर हम लोग बोले, तो मान लो कि एक मशीन है, एक मशीन है, और इस मशीन में तुमने कुछ डाला इनपुट, ठीक है, ये इस तरीके से डाला इनपुट, तो इधर से आउटपुट निकलेगा, ये हमने डाला इनपुट, तो इधर से क्या मिलेगा मुझे, आउटपुट, बराबर। और इनपुट में क्या डाल सकते हैं हम लोग, आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, लेट से एक हमारे पास मिक्सर है या फिर जूस बनाने वाला मशीन है, ठीक है। उस जूस वाले बनाने वाले मशीन में अगर मैं एप्पल डालूंगा, तो ये हमने इनपुट डाला, तो इसके क्रॉस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, आउटपुट विच विल बी एप्पल जूस। अब मैं डालूंगा इसमें बनाना, तो इसके क्रॉस्पॉन्डिंग हमें बनाना जूस या बनाना शेक वगैरह मिलेगा। और मैं जैसे जैसे चीजों को डालते जाऊंगा वैसे वैसे चीजें मिलते जाएंगे। तुम बोलोगे सर ये तो ऑब्वियस है ना, तो मैथ्स में भी ऐसे ही ऑब्वियस होता है, जो चीज इनपुट तुमने डाला है इनपुट के क्रॉस्पॉन्डिंग ही आउटपुट मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुमने एप्पल डाला है तो तुम्हें बनाना जूस मिल जाएगा निकल करके बाहर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हर एक इनपुट के लिए एक आउटपुट पहले से ही डिफाइंड है। तो ये इनपुट है एक तुम्हारा वेरिएबल, वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इतने सारे चीज है ना, इसमें से कोई भी तुम सेलेक्ट करके डाल सकते हो, और यहाँ पे भी आउटपुट मिल रहा है, दैट इज ऑल्सो वेरिएबल, दैट इज ऑल्सो वेरिएबल। तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों वेरिएबल है, क्योंकि अननोन है, हमें पता नहीं है क्या चीज हम लोग डालेंगे और क्या चीज हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज हमें पता चल गया कि हाँ ये क्या चीज है, इनपुट डालेंगे मशीन में तो आउटपुट निकलेगा, तो दिस इज बेसिकली अ फंक्शन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन। तो अब मैं मैथ्स के टर्म्स में समझाता हूँ तुम्हें, ये मान लो कि ये हमारा एक फंक्शन है, फंक्शन व्हाट, मशीन, ये एक हमारा फंक्शन है, और फंक्शन को बेसिकली हम लोग एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। इसको डिनोट कैसे करते हैं अभी बताता हूँ। तो ये फंक्शन है, ठीक है, और फंक्शन में हमें क्या डालना है, इनपुट
फंक्शन में डालना है हमें इनपुट, और इससे मुझे मिलने वाला है आउटपुट। ठीक है, फंक्शन में मैं डालने वाला हूँ इनपुट और इससे मुझे मिलने वाला है आउटपुट। तो जो इनपुट डाल रहा हूँ वो एक होगा वेरिएबल, ठीक है, और उसे मैं बोल रहा हूँ एक्स। तो एक्स के वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं? ढेर सारे हो सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, -10, माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स, और इधर से मुझे मिलेगा आउटपुट, और वो भी होगा हमारा वेरिएबल। ये होगा वाई, विच विल बी द आउटपुट। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है? दिस फंक्शन क्रिएट्स ए रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई। और वो किस तरीके से क्रिएट कर रहा है? ये एफ ऑफ एक्स से डिनोट किया जाएगा और इसे रीड किया जाएगा एफ ऑफ एक्स, या फिर ऐसे बोलेंगे फंक्शन ऑफ एक्स, ऐसे बोलेंगे हम लोग। तो ये एफ ऑफ एक्स का वैल्यू डिफाइंड होगा, मतलब तुमने एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर दिया तो बेसिकली तुमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। तो एफ ऑफ एक्स मैं डिफाइन कर देता हूँ इस जगह पे, लेट से ये जो एफ ऑफ एक्स है वो कुछ ऐसा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, बेसिक डेफिनेशन लगता है, ठीक है, ताकि हमें समझ में आ जाए। तो ये फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यही फंक्शन क्या है? वाई है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा एक्स इज इक्वल्स टू 1, तो एक्स इज इक्वल्स टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें वाई का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो इधर वाई कितना मिल जाएगा बताओ जल्दी से, क्या करना टू पड़ेगा? 1 पुट करना पड़ेगा, तो ये हो टू जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1, टू विच विल बी 2। बिल्कुल सही। तो तुमने क्या करा? पहला वैल्यू पुट करा एक्स इज इक्वल टू 1, और जैसे ही एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई भी डिफाइन हो गया और वाई का वैल्यू आ गया 2। तुमने बोला कि ठीक है मैं दूसरा वैल्यू पुट करूंगा, तो तुमने पुट करा एक्स इज इक्वल टू 2, लेट से एक्स इज इक्वल टू फाइव 2 पुट, फाइव तो वाइस गुड कितना आ जाएगा? वाई इज इक्वल टू, जहां पे भी एक्स था तुमने वहां पे क्या पुट कर दिया? 2। तो ये हो गया 5। तो बेसिकली तुम्हारा फंक्शन का वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 2 पे 5 आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे कोई और वैल्यू रखता हूँ, लेट से एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग वाई का वैल्यू कितना आएगा? वाई इज टेन इक्वल टू टेन हाँ माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, विच विल बी इक्वल टू 10। तो यहाँ पे देखो फंक्शन का वैल्यू डिफाइन हो चुका है, एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करा तो 2 मिलता है मुझे, एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करा तो 5 मिलता है मुझे। जिस तरीके से हम लोग एप्पल पुट करते थे तो एप्पल का जूस डिफाइंड था, उसी तरीके से एक्स इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू प्री डिफाइंड है। तो हम लोग इनपुट जो हम लोग डाल रहे हैं, जिसे हम लोग एक्स बोल रहे हैं, इस एक्स को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और यहाँ पे जो वाई है उसे वाई को हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट अब क्यों इंडिपेंडेंट बोला? क्योंकि एक्स का वैल्यू हमारा कुछ भी हो सकता है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन वाई का वैल्यू वेरिएबल तो होगा, वाई का वैल्यू वेरिएबल तो होगा, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि एक्स का वैल्यू तुमने क्या डाला है। अगर एक्स का वैल्यू 1 डाला है तो उसके लिए तो भाई 2 ही आना है, वो 5 नहीं आ सकता है। तो इसीलिए एक्स के वैल्यू पे ये डिपेंड कर रहा है, बस इतना सा चीज है। और यहाँ पे जितने भी सारे मैं वैल्यू मैं एक्स का डाल सकता हूँ उसे बोला जाता है डोमेन। इसे बोला जाता है डोमेन, मतलब जितने भी वैल्यूज मैं एक्स के डाल सकता हूँ उसे हम लोग डोमेन बोलेंगे। और उस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग, मुझे जो जो वैल्यूज मिल सकते हैं उसे हम लोग बोलेंगे फंक्शन का रेंज,
या फिर वाई का रेंज, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। फंक्शन का रेंज या फिर वाई का रेंज, ठीक कोडोमेन है। और कभी कभी इसे कोडोमेन भी बोलते हैं। तुम लोग को ये सारे चीज मैथ्स में वापस से पढ़ाया जाएगा। फंक्शन एक नया चैप्टर है, वहां पे पूरा का पूरा ये सारी चीज पढ़ाए जाएंगे। इस जो भी चीज हम मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ, सारे चीज वहां पे वापस से पढ़ाए जाएंगे। बस हम लोग क्योंकि इसको पहले असेस करते हैं मैथ्स को, तो इसीलिए हम लोग को पहले पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे किस तरीके से, हमने एक बेसिक आइडिया सी समझ लिया, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि लेट से हमारे पास एक सर्कल है, लेट से हमारे पास एक सर्कल, तो इस सर्कल का अगर मैं एरिया देखना चाहूंगा तो सर्कल का एरिया क्या लिखूंगा, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, दिस इज एरिया। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस एरिया इज बेसिकली फंक्शन ऑफ आर। एरिया किस पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। और फंक्शन को डिफाइन कैसा किया गया, पाई आर स्क्वायर। सो फंक्शन इज डिफाइंड एज पाई आर स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूं कि एरिया ऑफ द सर्कल डिपेंड्स ऑन रेडियस, सो एरिया इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, सॉरी फंक्शन ऑफ आर, ये ऐसा हम लोग लिखेंगे। एंड द फंक्शन इज डिफाइंड एज एफ ऑफ आर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, विच इज एरिया। तो ये एकदम बिल्कुल ही जनरल तरीका हो गया समझने का। तो अब इसमें इनपुट डाला जाएगा और आउटपुट मिलेगा। अगर मैं इनपुट की बात करूं, देखो, अगर मैं इनपुट की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, आर रेडियस। अब जो रेडियस है वो क्या क्या मैं पुट कर सकता हूं, बोलो क्या क्या मैं पुट कर सकता हूं। रेडियस का वैल्यू हमारा कुछ भी हो सकता है कि नहीं। 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यूज को मैं पुट कर सकता हूं रेडियस का। तो उसके लिए मुझे एरिया मिलेगा, है ना, आउटपुट। और आउटपुट जो एरिया मिलेगा उसका जो वैल्यू होगा वो भी कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो सकता है। क्लियर है क्या? तो ये हो गया हमारा इनपुट और ये हो गया हमारा आउटपुट। तो ये चीज है, सबको समझ में आ रहा है, यस ठीक है। ज्यादा स्लो चल रहा हूं सर या ज्यादा स्लो चल रहा हूं तो बता देना, इसको मैं थोड़ा स्पीड अप कर दूंगा, नहीं तो मुझे लगा ये क्योंकि स्टार्टिंग है, इस पे एक बार ग्रिप बन जाए उसके बाद फिर तुम्हारा फ्लो मेंटेन हो जाता है। बेसिकली फ्रीक्वेंसी मैच करना होता है स्टूडेंट और फैकल्टी का। एक बार वो चीज स्टेब्लिश हो गया ना, फिर मैं जो भी चीज तुम्हें अच्छे तरीके से समझाऊंगा तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगा, तो वो आराम से ग्रास्प हो पाता है। तो इसमें कोई दिक्कत, सबको समझ में आ रहा है? यस सर, ओके। तो ये हो गया हमारा फंक्शन का सिंपल सा छोटा सा डेफिनेशन और चीज़ें अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एरिया कितना होगा अगर रेडियस है हमारा 2, तो रेडियस 2 के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे इसको, एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू पाई इंटू 2 का होल स्क्वायर, विच इज 4 पाई, ऐसा इस तरीके से हम लोग इसे लिखेंगे। लेट्स से कि हमने बोला कि आर इज इक्वल्स टू 3 पे कितना होगा एरिया,
तो एरिया विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू पाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 पाई। तो ये सिंपल सा एरिया इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं, फंक्शन क्या है, तो सबसे ऊपर हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन, क्या बोलेंगे बोलो, क्या डेफिनेशन हो सकता है, सोचो जरा सा। फंक्शन इज ए रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, काइंड ऑफ ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो फंक्शन इज ए रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन सॉरी टू वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स। अब ये दो वेरिएबल्स कौन सा है, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं जनरली, एंड आउटपुट जिसको जनरली हम लोग वाई बोलते हैं, इनपुट एंड आउटपुट। इन विच वन इज एज्यूम टू बी डिपेंडेंट एंड अदर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इन विच वन इज इंडिपेंडेंट एंड अदर इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक सिंपल सा डेफिनेशन हम लोग ये बोल सकते हैं। अब इसमें एक और चीज की बात करते हैं कि फंक्शन को अगर जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो उसके साथ साथ कुछ क्लॉज भी आ जाते हैं कि फंक्शन के इनपुट में हम लोग क्या क्या चीजें डाल सकते हैं और क्या क्या चीजें नहीं डाल सकते हैं। जैसे कि लेट से ये हमारा मशीन है, बराबर, ये मशीन कौन सा मशीन है, जूस बनाने वाला मशीन है, ठीक है। तो इस जूस वाले बनाने वाले मशीन में तुमने कभी भी पत्थर नहीं डाला हुआ, ब्रिक नहीं डालते हैं, है कि नहीं, कभी डाला है क्या, नो सर, नो नहीं सर, सर। ब्रिक कभी नहीं डालते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये फंक्शन के लिए ब्रिक का वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो उसके लिए मुझे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, नॉट डिफाइंड मिलेगा, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि इस मशीन को तुमने ईटा पत्थर के लिए बनाया ही नहीं है। तो बेसिकली तुमने एक सेट ऑफ वैल्यूज को डिफाइन पहले से ही कर दिया है उस मशीन के लिए कि ये इतने सारे वैल्यूज तुम इस मशीन में डाल सकते हो और उसके कोरस्पॉन्डिंग वो सारे तुम्हें प्रोडक्ट मिल जाएंगे, लेकिन तुम ये सारे चीज मत डालना। तो डेट मीन्स दिस ब्रिक इज बेसिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस इनपुट पार्ट या फिर डोमेन पार्ट, है ना। तो जैसे कि हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि ये जो एक्स का वैल्यूज है इसमें से कुछ पार्ट एक्सक्लूड भी हो सकता है। लेट से इसको एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, तब समझ में आएगा। लेट से कि हमारे पास एक फंक्शन है, फॉर एन एग्जांपल लेट से हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू, पहले कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए अच्छे से। गलती आना एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो तुम लोगों को क्वेश्चन करना है, ठीक है। फाइंड, बहुत इजी है, फाइंड एफ ऑफ वन, दूसरा एफ ऑफ जीरो, तीसरा एफ ऑफ टू। फटाफट निकालो जल्दी सभी कोई। सर 3/2, इन्फिनिटी 4/5। है ना, बिल्कुल सिंपल।
इसको अगर हम लोग पुट करें तो लिखने का तरीका मैं थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, बाकी कैलकुलेशन तो मुझे लगता है तुम लोग को आता ही होगा। तो इसको मैं लिखूंगा एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू, जहां जहां पे भी एक्स है, जिस जिस जगह पे भी एक्स है, तो उसको मुझे किससे रिप्लेस करना है, इसके अंदर वाले चीज से रिप्लेस करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 + 2 डिवाइडेड बाय 1 का होल स्क्वायर + 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल चीज। वाई इज इक्वल्स टू, अब लिखना है f of 0। तो बेसिकली जहां जहां पे भी x है उस जगह पे मुझे क्या पुट करना है, 0। और ये हो जाएगा 0 + 1, तो ये हो जाएगा 2। और अगर मैं बोलूं f of 2 निकालना है तो ये हो जाएगा फोर हाँ 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2 का अमाउंट स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा सिंपल सा 4 डिवाइडेड बाय 5, है ना। एक और है इसमें, इस क्वेश्चन को करो, मान लो कि फोर्थ निकालने बोल दिया कि फाइंड एफ ऑफ d+1, ये दे रखा है एफ ऑफ d+1, ये बताओ कैसे करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे भी तुम्हें x लिखा y, उस x के जगह पे हमें क्या रिप्लेस करना है, d+1 रिप्लेस करना है। इतना सा ही हमें दिमाग में रखना है कि अगर तुम्हें f ऑफ d+1 निकालने बोला गया, डेट मीन्स जहां जहां पे भी x है उस जगह पे d+1, तो ये रहा x और ये रहा x, तो इसके जगह पे क्या पुट कर लो, d+1 + 2 डिवाइडेड बाय d+1 का होल स्क्वायर + 1, तो ये कितना हो जाएगा d+3 डिवाइडेड बाय, अब इसको ओपन कर सकते हैं, डी डी स्क्वायर स्क्वायर प्लस टू डी प्लस टू 2d+2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, बराबर। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो हम लोग करना चाह रहे थे, कि मान लो एक फंक्शन डिफाइन किया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x+1 डिवाइडेड बाय x-1, और मुझे बोला गया फाइंड f of 0, सेकेंड फाइंड f of 1। निकालो जल्दी से सभी कोई। -1 एंड इन्फिनिटी। हाँ हाँ सर, मोबाइल फोन सर, दबा हो। तो अगर मैं y का वैल्यू इस जगह पे पुट करूं तो वो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू f of 0 फर्स्ट निकालने बोला गया, तो x का वैल्यू तुमने पुट कर दिया फट से 0 0-1, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय -1 विच विल बी इक्वल्स टू -1, ये हो जाएगा बिल्कुल सही। और अगर मैं पुट करूं इसमें y इज इक्वल्स टू f of 1, तो जैसे ही मैंने पुट करा 1, तो x का वैल्यू 1 हो गया +1 डिवाइडेड बाय 1-1, तो ये क्या बन गया 2 डिवाइडेड बाय 0 का फॉर्म, विच इज बेसिकली इंफिनिटी। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब कि ये जो फंक्शन तुमने बनाया है, ये फंक्शन x इज इक्वल्स टू 1 के लिए डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड फॉर x इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 1 क्या है, एक ब्रिक की तरह काम कर रहा है ना। हमने मिक्सी बनाया था तो उसमें कभी हम लोग ब्रिक नहीं डालते थे, तो बेसिकली इस फंक्शन के लिए ये x इज इक्वल्स टू 1 ब्रिक की तरह काम कर रहा है, मतलब मैं x के सारे वैल्यूज पुट कर सकता हूं। अगर मैं x की बात करूं तो
तो एक्स क्या है हमारा डोमेन, तो एक्स का मुझे सारा वैल्यूज मिल सकता है, एक्स मुझे सारा वैल्यू पुट कराया जा सकता है। एक्स हमारा कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस ऑफ इन्फिनिटी तक कोई सा भी वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन जैसे ही मैं एक्स इज इक्वल टू वन पुट करूंगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा जो डोमेन होगा एक्स का, डेट विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग माइनस सॉरी वन, एक्सक्लूडिंग वन। तो ये सारा चीज है। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं रेंज की, तो रेंज भी हमें वाई का वैल्यू इसके क्रॉस्पॉन्डिंग कहीं से भी कहीं तक मिल सकता है। लेकिन ये जो वन के क्रॉस्पॉन्डिंग जो भी डेटा मिल रहा था वो हमें नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग डोमेन एंड रेंज निकालते हैं, जो कि तुम लोग को मैथ्स में कंप्लीटली पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स में इतना ज्यादा काम नहीं होता है कि डोमेन एंड रेंज निकालना होगा, इतना काम हमारे में नहीं होता है। ठीक है, और इसे वन टू वन फंक्शन भी कहा जाता है। वन टू वन फंक्शन मतलब एक वैल्यू पुट करोगे तो उसके लिए दूसरा वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है, और वो एक से एक का ही रिलेशन रखता है। एक्स इज इक्वल टू वन के कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिला है वो एक्स इज इक्वल टू वन के साथ ही रिलेशन रखता है, उसे वन टू वन फंक्शन कहा जाता है। मैथ्स में और अच्छे तरीके समझाएगा, हमारे लिए तो वो काम का ही नहीं। सभी को समझ में आया गया, इसमें किसी को कोई हाँ दिक्कत सर, आई थिंक नहीं होना हाँ चाहिए। सर, ठीक है, अब क्वेश्चन तुम लोगों को करना है ना। अगर तुम्हें ये फंक्शन बेसिक समझ में आ गया तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ही आसान। चलो क्वेश्चन सभी को ही करेंगे। मान लो तुम्हारे दो फंक्शन दे रखा है, एक ऑफ एक्स दे रखा है विच इज एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, और दूसरा फंक्शन जी ऑफ एक्स दे रखा है, ठीक है, विच इज 2x प्लस 1। तो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड पहला एफ ऑफ टू एंड दूसरा जी ऑफ 3। जल्दी से निकालो, बिल्कुल इजी है 3/2 and 7। ना। आई थिंक सभी ने कर भी लिया होगा, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन तो आज तक तुम लोगों ने नहीं किया होगा। तो एफ ऑफ टू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 1। तो मैं बोल सकता हूं कि जो एफ ऑफ टू है उसका वैल्यू कितना है, 3 है। मैथ्स के टर्म्स में सोचो, एफ ऑफ टू का वैल्यू कितना है, 3 है। अब मैं सेकंड एग्जांपल करने जा रहा हूं, जी ऑफ 3। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो 3 है वो एफ ऑफ टू के बराबर है, तो इसके जगह पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। ध्यान से देखना, जी ऑफ 3, इस 3 को मैं क्या सोच सकता हूं, ये जो 3 है या तो ये बोलो या तो ये बोलो, बात तो एक ही है। तो इस 3 के जगह पे मैं लिख लेता हूं एफ ऑफ 2। एक नया तरीका लिखने का मतलब कि अगर क्वेश्चन तुम्हें ये दिया जाता तो तुम इसमें कन्वर्ट हो जाते और फिर इससे तुम कन्वर्ट होकर के आंसर निकाल लेते। हमें जी दिया गया, इसका मतलब जी फंक्शन के पास जाएंगे और वो बोल रहा है कि फंक्शन में इस तरीके से डिफाइंड हो, तो 2 × x के जगह पे 3 पुट करेंगे प्लस 1। तो ये कितना आ जाएगा आंसर, 6 प्लस 1 सेवन विच इज इक्वल टू 7। तो बेसिकली मैं ये बताना चाहता था तुम लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन तो इजी है लेकिन मुझे बताना ये था। तो अब इसी क्वेश्चन में मैं तुम्हें से कुछ चीजें दे रहा हूं निकालने के लिए, वो निकाल तुम। फॉर एवर क्वेश्चन फाइंड फर्स्ट एफ ऑफ जी ऑफ
वन एंड सेकंड जी ऑफ एफ ऑफ 0। जल्दी से निकाल दो इन दोनों को। वापस से ज्वाइन करो। तो देखो इसमें हम लोग अगर सॉल्व करें इसको तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ 1 चाहिए मुझे, तो डेट मीन्स सबसे पहले मुझे निकालना होगा जी ऑफ 1 का वैल्यू। ठीक है, तो मैं फंक्शन जी के पास गया, ये है फंक्शन जी, और इसमें से मैंने निकाला जी ऑफ 1। तो जी ऑफ 1 कितना हो जाएगा, 2 × 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3। तो इसके जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ 3, तो आप पुट कर लिया 3। और अब मुझे जाना पड़ेगा फंक्शन एफ के पास, तो फंक्शन एफ ये है फोर हमारा, बाय थ्री और उसमें पुट कर लेना है, जहां जहां पे एक्स है उस जगह पे 3 पुट कर लेना है। तो हो जाएगा 3 − 1, तो हो जाएगा 4/2, टू विच इज इक्वल्स टू 2। समझ में आएगा सबको, यस सर है ना। सेकेंड यस सर जी थैंक यू ऑफ एफ ऑफ 0, तो सबसे पहले मुझे इसके लिए निकालना होगा एफ ऑफ 0, क्योंकि ये वैल्यू मुझे पता होना चाहिए कितना है। तो एफ ऑफ एफ फंक्शन के पास गया मैं और एफ ऑफ 0 निकाला, तो 0 + 1 / 0 − 1 कितना आ जा रहा है, ये आंसर −1। -1 तो मैं इस जगह पे अब −1 पुट करूंगा, और −1 पुट किया तो अब मैं जी फंक्शन के पास जाऊंगा और इसके पास जाके बोलूंगा कि जहां जहां पे भी एक्स है वहां वहां पे पुट करना है मुझे −1। तो हो जाएगा 2 × −1 + 1 विच इज इक्वल टू −2 + 1, तो ये कितना आ जाएगा, −1 आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या। तो ये जो यस चीज हम सर लोग पढ़े ना, इसे हम लोग गॉफ एंड फॉग बोलते हैं मैथ्स में, इसे GOF यस एंड FOG बोला जाता है। FOG का मतलब क्या है, FOG का मतलब है एफ एफ ऑफ ऑफ जी ऑफ एक्स ऑफ एक्स, और GOF गॉफ का मतलब क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो अब मैं वेरिएबल्स में काम करता हूँ, तो क्वेश्चन तुम्हारे लिए ऐसा है कि फंक्शन दिया गया एफ ऑफ एक्स इज x + 1 / x − 1, और जी ऑफ वाई दिया गया इज बेसिकली 1/y + 1। तो पूछा गया फाइंड फर्स्ट एफ ऑफ जी ऑफ वाई एंड सेकेंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, निकालो। चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो अगर इसका सॉल्यूशन देखें हम लोग, तो सबसे पहले क्या है, पहला है एफ ऑफ जी ऑफ वाई, तो बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरीके से करेंगे कि जी ऑफ वाई जो चीज़ है उसका वैल्यू पुट कर लो। तो जी ऑफ वाई क्या है, यहाँ पे जी ऑफ वाई ये चीज़ है, तो इसको मैंने यहाँ पे पुट कर लिया था 1/y + 1 लिख लिया ऐसा। और अब ये बोलना चाह रहा है कि जहां जहां पे भी तुम्हारा एक्स है, फंक्शन के पास जाऊंगा मैं एफ के पास, और जहां जहां पे भी एक्स है उस जगह पे मुझे क्या पुट करना है, अब उस जगह पे वाई 1/y + 1 पुट करना है। तो मैं पुट करूंगा 1/y + 1 + 1 / 1/y
प्लस वन माइनस वन। कोई दिक्कत यहां तक? और नो बाकी तो सर। अभी इसको सॉल्व भी करना है, सिंपल सा। तो यह हो जाएगा वन प्लस वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय वन माइनस वाई प्लस वन। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, वाई प्लस टू डिवाइडेड बाय माइनस वाई वन। हाँ, वन एंड माइनस वन वाई कैंसिल आउट, तो ये सामने आ जाएगा माइनस और नीचे लिख दो वाई, तो ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया क्या? अब सेकंड करते हैं हम लोग। सेकंड क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले मुझे इस जगह पे पुट करना है, सॉरी, सबसे पहले पुट करना पड़ेगा मुझे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स बोला गया है कि ये है एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। ठीक है, तो ये अब ये बोलना चाह रहा है कि जी फंक्शन के पास जाऊंगा मैं, जी फंक्शन यहाँ पे है, और ये बोलना चाह सॉरी ये है, और ये बोलना चाह रहा है जहां जहां पे भी तुम्हारा वाई है उसे इस जगह पे क्या पुट कर लेना है, ये चीज पुट कर लेना है। तो इस जगह पे वाई है और इस जगह पे वाई है, तो इन दोनों जगह पे मुझे क्या पुट करना है, ये वाला वैल्यू पुट करना है। तो ये पुट करेंगे वन अपॉन वाई, नीचे है तो वाई के जगह पे पुट करना है एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन एंड प्लस वन बेसिक, और इसको अब सॉल्व कर लेना। तो एक्स माइनस वन ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वन प्लस ऑफ वन विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस टू। समझ में आया क्या सबको? कोई दिक्कत इसमें किसी से जो क्वेश्चन ना बना हो, भाई कभी ऐसा नहीं? तो चलो फिर अपन अब एक और अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे मूव करेंगे। तो मान लो कि एफ ऑफ एक्स दे रखा है टू एक्स माइनस वन, जी ऑफ वाई दे रखा है वन डिवाइडेड बाय एक्स, एंड एच ऑफ जेड दे रखा है डेट इज कुछ मान लेते हैं वन अपॉन एक्स प्लस वन, नहीं सॉरी जेड प्लस वन होगा। देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक करा, इस चीज को मैं बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, y लिखा है, g इज अ फंक्शन ऑफ y, लेकिन इस जगह पे मैंने x लिख दिया है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फंक्शन y का है तो y का ही वहां पे हमें वो रिलेशनशिप दिखना चाहिए, तो इसीलिए मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, उसको मैं वापस से इरेज करके लिखूंगा। तो दिस विल बी वन अपॉन y, ये हो गया। और सेम मिस्टेक मैंने जेड वाले में किया है, तो जेड वाले के लिए क्या करना पड़ेगा, जेड स्क्वायर सॉरी कितना लिखा था, जेड प्लस वन लिखा था ना, तो जेड प्लस वन ही लिख लेते हैं, ज्यादा टफ करने की जरूरत नहीं है अभी। तो क्वेश्चन दिया गया फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ जेड ऑफ जीरो, एंड दूसरा दिया गया फाइंड जी ऑफ एफ ऑफ एच ऑफ जेड। निकालो, बोलो आकांक्षा। सर आपने ऊपर एक्स माइनस देख लो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, एक्स माइनस वन ऐसा होगा, तो ये मैं एक्स को ही लिखना भूल गया, तो एक्स माइनस वन ऊपर चला जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, और ये एक्स प्लस वन एंड यहाँ पे एक्स माइनस वन होगा।
ये 1 एंड 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान नहीं दिया मैंने, और ये हो जाएगा 2x, तो ये होगा आंसर x-1/2x। ठीक है क्या आप यस यही पूछ सर, रही यस थी? सर, यस सर। चलो तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले क्या चीज है, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ 0 है ना, ये था। अच्छा इस जगह पे नोट करना, वो जेड लिखा हुआ था तो उसको एच लिखना है बेसिकली, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ 0। अब मुझे सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना है, एच ऑफ 0 का वो कितना होगा, तो एच ऑफ 0 मैं इस फंक्शन के पास जाऊंगा, वैल्यू पुट कर लो 1/0+1, तो ये हो जाएगा 1। तो मैंने पुट कर लिया एफ ऑफ जी ऑफ, इसके जगह पे पुट करूंगा मैं 1, तो ये हो जाएगा 1। अब मुझे क्या निकालना है, जी ऑफ 1 निकालना पड़ेगा बराबर, तो जी फंक्शन के पास गया मैं, ये हमारा जी फंक्शन, और इसमें पुट कर लिया 1, तो ये आ जाएगा 1। तो ये कन्वर्ट हो गया, इसका भी वैल्यू हो गया 1, तो ये पुट कर दिया 1। अब मैं एफ के पास जाऊंगा ये फंक्शन, और वहां पे जहां पे भी एक्स है पुट कर लूंगा 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 - 1, कितना आ जाएगा आंसर 1। ठीक है क्या? अब दूसरा है, सेकेंड इज जी ऑफ एफ ऑफ एच ऑफ जेड, सर तो देखो मैं एच ऑफ जेड का वैल्यू पुट कर लेता हूं, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा एफ ऑफ, अब एच ऑफ जेड है तो ये एच ऑफ जेड के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, एच ऑफ जेड के जगह पे ये वाला चीज लिखा जा सकता है विच इज 1/Z+1, तो मैं पुट कर लेता हूं 1/Z+1 ऐसा। तो अब मुझे किसके पास जाना है, एफ फंक्शन के पास जाना है, एफ फंक्शन के पास, तो ये एफ फंक्शन है हमारे पास, और इस फंक्शन में मुझे क्या पुट करना है, जहां जहां पे भी एक्स है वहां पे 1/Z+1 पुट करना है, तो एफ ऑफ 1/Z+1 मैं निकाल लेता हूँ इस तरफ, कितना हो जाएगा ये, तो ऊपर देख लेता हूँ कितना है ये वैल्यू, 2x-1 है, तो 2 × x के जगह पे अब मुझे लिखना पड़ेगा z+1, 2x-1 था ना, 2x-1, हाँ, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2 − z+1/z+1 कितना आ गया, ये 1 − z/1+z, तो ये वैल्यू निकल कर आया। तो अब मुझे पता है कि एफ ऑफ दिस थिंग का वैल्यू मैं इतना पुट कर सकता हूँ, कितना, दिस मच, ये पुट कर सकता हूँ, पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा जी ऑफ 1 − z/1+z। अब मुझे किस फंक्शन के पास जाना है, जी के पास जाना है, तो जी फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया गया 1/y, तो ये हो जाएगा 1/y, y क्या है हमारा, ये चीज है, ये पूरा कंप्लीट चीज, तो इसकी जगह पे पुट कर लेता हूँ 1 − z/1+z विच इज इक्वल्स टू जेड, या फिर 1+z/1−z। सही है क्या? देख लो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बाकी तो सही है, सही है। यस सभी का आया क्या आंसर? चलो सर, हाँ तो सर, इसका मतलब तुम लोग को अच्छे तरीके से फंक्शन आ गया, और फंक्शन में वरी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। अब देखो फंक्शन है ना, जरूरी नहीं है कि जेड में ही हो एक्स में ही हो, वो साइन में भी हो सकता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग बोलते हैं, साइन ऑफ एक्स दिस इज क्या है, फंक्शन, अगर हमारे पास कॉस ऑफ वाई दिया हुआ है दिस इज ऑल्सो फंक्शन। ठीक है, तो हमारा फंक्शन इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है,
थीटा में भी डिफाइन किया आ सकता है कि हमारा साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, तो एफ ऑफ थीटा इज बेसिकली साइन थीटा। लॉग में भी डिफाइन किया आ सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसे से ढेर सारे फंक्शन बनाए गए हैं, तुम जितना नाम ले लो वो कम पड़ जाएंगे तुम्हारे लिए। तो ये सारे के सारे क्या है, फंक्शन है। अभी हम लोग सिंपल एक लीनियर फंक्शन या फिर एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन देख रहे थे जो कि एक्स या वाई में था। तो नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो एंगल्स के बारे में जानेंगे, रिलेशन के बारे में जानेंगे, किस तरीके से एंगल को डिफाइन करते हैं उसके बारे में जानेंगे, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक कॉसेक, कॉट, इसके बारे में, फिर उसके वैल्यूज के बारे में जानेंगे, और वो सारी चीज हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग जंप करेंगे कि उसके अलावा जो जो वैल्यूज हो सकते हैं पॉसिबल, वो कैसे निकालेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल सा चीज है, अगर हमारे पास एक लेटर से सर्कल, ये है सर्कल बराबर, तो इसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना लेता हूँ। मान लो कि ये सर्कल है और इसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और कोई पर्सन है जो कि चलना स्टार्ट किया। कहाँ से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, और वो चलते 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 पॉइंट बी तक पहुंच गया। इस तरफ से चल रहा है, सरकमफेरेंस के अलोंग चल रहा है, ठीक है, सरकमफेरेंस के अलोंग चल रहा है। तो दिस इज रेडियस, है ना। तो ये जो रेडियस वेक्टर है, या फिर मान लो कि ये जो रेडियस है आर, ये कुछ एंगल को स्वाइप करेगा, ये कुछ एंगल को स्वाइप करेगा जिसको हम लोग थीटा से डिनोट कर रहे हैं। तो दिस थीटा इज बेसिकली एंगल स्वाइप्ड बाय द मैन जो कि ए से बी तक चला है। तो यहाँ पे एक सेक्टर मुझे मिल गया, 10th में तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा सेक्टर किसे बोलते हैं, ये सब चीजें। तो ये हो गया हमारा एक सेक्टर, और ये हो गया हमारा थीटा, और इस जगह से इस जगह तक का जो लेंथ है वो बेंड वाला लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, इसे हम लोग एस बोलेंगे, और इस एस को बोलते हैं आर्क लेंथ। दिस इज रेडियस आर, तो एस इज व्हाट, आर्क लेंथ। आर इज व्हाट, रेडियस, एंड थीटा इज एंगल। एक सिंपल सा चीज है। तो जैसे कि हम लोग टेम्परेचर है अलग अलग यूनिट से मेजर करते हैं, कभी डिग्री सेल्सियस से, कभी फ़ारेनहाइट से, कभी केल्विन से, है ना, अलग अलग मेजरमेंट यूनिट होते हैं। सेम वे में अगर मैं एंगल की बात करूं तो मेनली दो मेजरमेंट यूनिट जो है काफी ज्यादा यूज होता है, पहला डिग्री और दूसरा रेडियन, है ना। डिग्री तुम लोगों ने स्कूल में ही पढ़ा होगा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, दीज आर द डिग्री, है ना। ये डिग्री में हम लोग मतलब कि यूनिट बोलते हैं, और ये दूसरा है रेडियन। रेडियन पता है क्या तुम लोग को, जिसको पाई से डिनोट करते हैं। तो रेडियन को डिफाइन करने का तरीका अलग है। डिफाइन कैसे किया गया, डेट रेडियन इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। तो हम लोग किस में निकालेंगे, रेडियन में। तो रेडियस, रेडियन को इस तरीके से डिफाइन किया गया, डेट रेडियन इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ कितना है, एस है, और रेडियस कितना है, आर है। तो मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, डेट थीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर। तो मैं बोल सकता हूं कि रेडियन को ऐसे बोला जा सकता है कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज यूनिटी, देन द रेडियन या फिर एंगल इन रेडियन
विल बी इक्वल्स टू द आर्क लेंथ, बराबर है क्या? सिंपल सा इक्वेशन हो गया ना कि अगर तुमने आर इज इक्वल्स टू वन डिफाइन कर लिया तो थीटा किसके बराबर बन जाएगा? आर्क लेंथ के बराबर। तो इसी को डेफिनेशन बोल दिया, सिंपल सा, बराबर। तो थीटा इज इक्वल्स टू एस बाय आर हो गया, तो इससे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एस इज इक्वल्स टू आर इंटू थीटा, ये हम लोग बोलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जितने भी सारे फिजिक्स में डेरिवेशन करेंगे ये सारे के सारे उसमें ये चीज यूज होगा। तो पहले ही बता दे रहा हूँ, ये ऐसा फॉर्मूला है जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। है देखने में बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, हमारे पास है आर्क लेंथ ये, ठीक है। अगर मैं, तुम खुद बताना, अगर मैं एस के वैल्यू को छोटा करते जाऊं, एस के वैल्यू को छोटा करते जाऊं, तो क्या थीटा भी छोटा होते जाएगा? नो अरे हाँ ना, नो कैसे बोल दिया तुमने? हाँ यस ना, तो अगर मैं एस के वैल्यू को छोटा करते जाऊंगा तो मेरा थीटा भी क्या होते जाएगा? छोटा होते जाएगा। मैं एस के वैल्यू को बहुत ही ज्यादा छोटा कर लिया, बहुत ही ज्यादा छोटा को डिनोट कैसे करते हैं? बहुत ही डी ज्यादा से नहीं, छोटा से तो डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। लेकिन अगर बहुत ही ज्यादा छोटा हो तो डी से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा डी एस इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा। तो ये काफी ज्यादा यूज होता है फॉर्मूला, और इसको हम लोग हमेशा यूज करेंगे, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट। समझ में आया क्या सबको? चलो अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें। ये फॉर्मूला हो गया, हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। अब मुझे डिग्री और रेडियन में रिलेशन चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो क्या हो जाएगा? कोई भी जो पर्सन था वो अगर चलना स्टार्ट किया इस जगह से, ठीक है, इस जगह से चलना स्टार्ट किया और चलते 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 वापस से इसी जगह पे पहुंच गया, इनिशियल एंड फाइनल, इसी जगह से चलना स्टार्ट किया और वापस से इसी जगह पे पहुंच गया, तो मैं डिग्री में कितना बोलूंगा? वन रिवॉल्यूशन इज बेसिकली इक्वल टू द 360 डिग्री 360 डिग्री। और अगर मैं इसको रेडियन में देखना चाहूं तो रेडियन में कितना होगा? हमने रेडियन को पहले ही डिफाइन कर दिया है, दैट रेडियन इज इक्वल्स टू थीटा, जो बोल रहा हूं मैं, थीटा विच इज रेडियन इज इक्वल्स टू एस बाय आर। तो अगर मैं वन रिवॉल्यूशन किया तो यहां से यहां तक एस कितना हो जाएगा? सरकमफेरेंस के बराबर, विच विल बी 2 पाई आर डिवाइडेड बाय आर, आर से आर कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2 पाई। तो दैट मीन्स वन रिवॉल्यूशन के लिए जो बाय रेडियन में एंगल होगा वो 2 पाई होगा। और ये था मेरा डिग्री में, तो मैं बोल सकता हूं 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियन। 360 डिग्री इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियन। ये मेरा कन्वर्जन बन गया। अब 360 को मैं और 2 पाई को मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 180 डिग्री इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू पाई रेडियन, है ना। तो अब अगर मुझे कभी भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कितने फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे? लेट से हमारे पाई बाय पास था वन एटी 30 डिग्री, फॉर एन एग्जाम्पल, लेट से हमारे पास 30 डिग्री था,
तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो 30 इंटू पाई बाय 180 से ये हमारा किस में आ जाएगा, रेडियन में आंसर बन जाएगा। अगर मुझे कभी भी रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना पाई है ना, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, लेट से पाई बाय 3 गिवन होगा, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पाई बाय 3 इंटू 180 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट। ठीक है, सिंपल सा चीज है। अब तुम लोग क्वेश्चन करके बताओ, इजी इजी क्वेश्चन होगा बेसिकली, ज्यादा कुछ तो होता नहीं हो। फाइंड फर्स्ट 30 डिग्री, सभी को रेडियन में कन्वर्ट करो, 45 डिग्री, सिक्सटी डिग्री, नाइंटी डिग्री, वन ट्वेंटी डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। देखो काफी सिंपल है, मैं डायरेक्टली आंसर लिख दे रहा हूँ। 30 डिग्री को हम लोग पाई बाय 6 बोलेंगे, 45 को पाई बाय 4, 5/4, 60 डिग्री को पाई बाय 3, 90 को पाई बाय 2, 120 डिग्री, 3/3, 5/3, 135, 3/4, 3/4, 150, 5/6, कितना, फाइव फाइव बाई सिक्स। फाइव बाई सिक्स। इन सभी वैल्यूज को याद रखना है, ठीक है, ये 30, 45, 60, 90, ये सभी वैल्यूज पूरे 180 तक जो मैंने लिखे हैं वो सभी तुम्हें याद होने चाहिए। ये स्टैंडर्ड है जो कि तुम्हें हमेशा यूज होगा, फिजिक्स में तो यूज होगा ही होगा, साथ ही साथ केमिस्ट्री में भी यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें कन्वर्ट करना है रेडियन से डिग्री में। ठीक है, तो मान लो 5 पाई बाय 3 दिया गया है, इसको कन्वर्ट करो डिग्री में। दूसरा 1 पाई बाय 4 दे रखा है, इसे कन्वर्ट करो, बस इतना ही कर लो, काफी है। आ गया क्या? यस सर, हाँ बोलो। डन सर, यस सर, हाँ फर्स्ट का 210, नहीं, फर्स्ट का 225, 300 ना। शॉर्ट ट्रिक में देखो क्या याद रखेंगे, 5/3 है, इनटू पाई के जगह 300 पे 180 पुट कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा 300 डिग्री। दूसरा 7/4 इंटू 180, 315 ये हो जाएगा 7 × 45, विच इज 315 डिग्री। सिंपल सा चीज है ना। 315 हाँ, नेक्स्ट चीज इसमें ये है कि एंगल को हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेते हैं। तो अगर हमारे पास ये एक्स और वाई एक्सिस बन गया, लेट से दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो जितने भी सारे एंगल होंगे इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जितने भी सारे एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे उस एंगल को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जितने भी सारे एंगल्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे हमेशा रेफरेंस ये वाला होना चाहिए, इसी से एंगल लेना है। जितने भी सारे एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव लिए जाएंगे, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बेसिकली घड़ी की जो सुई होती है वो जिस डायरेक्शन में रोटेशन करती है उसे हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सिंपल सा फंडा है, और कुछ खास इसमें है नहीं, बराबर है क्या? जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं, मान लो कि एक वेक्टर इस जगह पे है और ये है 30 डिग्री, और ये एंगल मुझे बताना है, तो थीटा कितना होगा बताओ जल्दी से। थीटा विल बी इक्वल्स टू 180 प्लस ऑफ 60 डिग्री, विच विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बोलो, टू टू फोर्टी माइनस टू टू फोर्टी फोर्टी टू फोर्टी लेकिन साथ में एक माइनस साइन को पुट माइनस करना है क्योंकि हमने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया। ठीक है क्या? बहुत ही सिंपल सा बेसिक चीज। तो नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या हो जाएगा, जैसे साइन एक्स है कॉस एक्स है ये सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे। तो उसके लिए पहले मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ, सर्कल बना लेता हूँ, तो समझने में आसानी होगी। ये हो गया और ये एक्स वाई एक्सिस। वैसे तुम लोगों ने 10th में पढ़ ही लिया होगा सारे चीजें कि हाँ हम लोग किस तरीके से ये सारे चीज साइन कॉस टेन लिखते हैं। मान लो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और एक कोई कोऑर्डिनेट है, कोई भी पॉइंट हो सकता है एक्स कॉमा वाई, तो मैंने इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल बनेगा थीटा। मैंने इस जगह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा, दिस डिस्टेंस विल बी एक्स क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये डिस्टेंस कितना बनेगा वाई, और ये हमारा रेडियस आर। इस ट्रायंगल को मैं इस जगह पे बना लेता हूँ, ऐसा बन रहा है, दिस इज एक्स दिस इज वाई एंड दिस इज आर। आर का वैल्यू अगर हम लोग बोले पाइथागोरस थ्योरम से तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सिंपल। तो अब इस जगह पे साइन थीटा हम लोग लिखेंगे, साइन थीटा कितना होता है बोलो, अपोजिट वाई अपॉन हाइपो ट्रायंगल होता है वाई बाय या फिर डिवाइडेड बाय रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, ऐसा। नेक्स्ट इज कॉस थीटा, एक्स एक्स स्क्वायर बाय एक्स डिवाइड बाय रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड टेन थीटा कितना, वाई बाय एक्स वाई बाय एक्स। अब इसमें तीन और फंक्शन है, तीन कौन कौन से, हाँ कोसेक्स एक्स कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कितना होता है 1 बाय साइन थीटा, आर बाय बाय आर बाय बाय ये तो इसका जस्ट अपोजिट, और तो कुछ है नहीं, ये हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय वाई। नेक्स्ट इज सेक थीटा, ये हो जाएगा 1 बाय कॉस थीटा आर बाय एक्स आर बाय विच इज आर बाय आर एक्स बाय एक्स, ये हो गया। एंड नेक्स्ट इज कॉट थीटा इज एक्स बाय वन बाय बाय टेन एक्स बाय थीटा बाय है ना, इसका उल्टा विच इज एक्स डिवाइडेड बाय
वाई। तो ये सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गए, इसके वैल्यूज को हम लोगों ने देख लिया। अब एक्स का एक एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। लेट्स से कि ये जो कोऑर्डिनेट है वो ऐसा है, 3,4। तो पूछा गया फाइंड, सिंपल ही रखते हैं, फाइंड टेन थीटा, दूसरा साइन थीटा एंड तीसरा सेक थीटा। फटाफट निकाल के बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन। साइन थीटा 4/5। चलो देखो, तो इस जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, इस ट्रायंगल को बनाएंगे, ये थीटा, ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा 3, ये डिस्टेंस हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। तो 10 थीटा कितना हो जाएगा, 10 थीटा इज इक्वल टू 4/3, 4/3 4/3 और फिर साइन थीटा इज 3/5 थ्री बाय हाँ फाइव 3/5 3/5 का है 4, 4/5 होगा, ये और वाला बाय होता बाय है ना, बराबर है बैंगलोर ना। और सेक थीटा कितना होगा, सेक थीटा किसका अपोजिट है, बाय बाय 3 कॉस, तो कॉस कॉस थीटा थीटा 3/5, तो 5/3 आ जाएगा आंसर, सिंपल है ना। अब इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को देखेंगे, तो ये तो बेसिक चीज था जो कि मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज को देख लेते हैं, जिसमें कि हम लोग सारे एंगल्स देखेंगे, क्या क्या एंगल्स वगैरह हो सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में क्या क्या आएंगे, अगर मैं एक बॉक्स क्रिएट करूं यहाँ पे। तो इसमें मैं साइन थीटा लूंगा, कॉस थीटा लूंगा एंड टेन थीटा लूंगा, बराबर। और थीटा का जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30, 45, 45, 60 एंड 90 डिग्री। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो ये आएगा हमारा 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। इन सभी के वैल्यूज हमें देखने हैं, बराबर। तो 90 जो है इसके अबाउट मिरर इमेज होता है हमारा, ध्यान रखना, इसके अबाउट मिरर इमेज होता है। तो साइन 0 कितना होगा बोलो, जीरो जीरो 30, हाँ वन 45, बाय टू 45 हाँ वन बाय रूट और टू टू थ्री 60 बाय टू और ये 90, वन वन 1। अब जैसे ही मैं 120 का वैल्यू लूंगा तो इसे कॉपी कर लूंगा, इसका वैल्यू इसके पास कॉपी होगा, इसका वैल्यू इसके पास कॉपी होगा, बस कॉपी होते जाएगा। तो ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा, सॉरी हाँ सही तो है, 1/2 एंड 180 कितना हो जाएगा, 0। इस तरीके से कॉपी हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉस का, तो कॉस में क्या होता है, पलट जाता है,
90 वाला चीज 0 पे आ जाता है, तो ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा 1/√2, ये 1/2 और ये 0। और जब यहाँ पे आएंगे 90 के बाद, तो फिर वही काम करना है मुझे, हाँ, लेकिन एक माइनस साइन अप्लाई करना है मुझे, ठीक है। कॉस में याद रखना हमारा माइनस साइन आता है, और टेन में भी माइनस साइन आता है। कॉपी कर लो वापस से, 1/2 माइनस माइनस 1/√2 माइनस √3/2 एंड -1, ये चीज हो गया। अब टेन थीटा की बात करते हैं, तो टेन थीटा कितना होता है बोलो? जीरो जीरो 0। डिवाइड कर लेना, साइन और कॉस को डिवाइड कर लेंगे, वन अपॉन रूट थ्री वन अपॉन रूट थ्री वन रूट रूट थ्री थ्री और ये नॉट नॉट डिफाइंड, डिफाइंड जिसको हम नॉट लोग डिफाइंड इन्फिनिटी बोलते हैं, मतलब बहुत बड़ा वैल्यू। इन्फिनिटी का मतलब बहुत ही बड़ा वैल्यू। और जब मैं वैल्यूज को इस तरफ कॉपी करूंगा, तो उसमें एक माइनस, -2 तो ये -√3 -1 -1/√3 एंड 0। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं जो कि हमें याद करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोगों को अच्छा स्कोर करना है, फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, अगर स्कोर अच्छा करना है, तो ये सारे वैल्यूज हमें बहुत ही अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यूज से ही हमारा स्पीड बढ़ता है, ठीक है। अगर तुम सोचने लग जाओ और फिर तुम्हें बाद में पता चले यार सोचा भी मैंने और गलत वैल्यूज निकाल लिया 150 का, तो क्या फायदा फिर? तो इसीलिए ये सारे वैल्यूज तुम्हें याद होने चाहिए अच्छे तरीके से। इन सभी वैल्यूज के अलावा भी कुछ वैल्यूज ऐसे हैं जो फिजिक्स में ज्यादा यूज होते हैं। एक तो पहला है 37 डिग्री, और एक है 53 डिग्री। तो साइन 37 कितना होता है? 3/5 3/5। कॉस 37 फोर बाय फाइव 4/5 एंड टेन टेन 37 थ्री 3/4 बाय फोर अब इधर बात करते हैं, साइन 53 वो रिवर्स हो जाएगा, तो ये इस तरह चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, विच इज 4/5 सॉरी एंड कॉस 53 इज 3/5 एंड 10 53 इज 4/3। तो ये सारे वैल्यूज ऐसे हैं जो कि तुम्हें याद रखना है। फिजिक्स में इससे ज्यादा तो कोई एंगल यूज नहीं होता, ठीक है। तो ये तो मस्ट है, तुम्हें याद रखना है अच्छे तरीके से। अब ये एंगल्स तुमने याद कर लिया, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे एंगल होते हैं जो कि हमें पता होना चाहिए। पता तो नहीं होना चाहिए, मतलब कि निकालने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एंगल्स आ गए 15 डिग्री, जिसका मुझे एंगल याद वैल्यू पता नहीं है। हमने तो याद करा था ये वाला चीज 0 से लेकर के 180 तक, जिसमें भी स्टैंडर्ड एंगल्स थे, लेकिन उसके अलावा और कोई एंगल होंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो उन सभी को निकालने का अलग तरीका है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कास्ट रूल। सबसे पहले कास्ट रूल, कास्ट रूल क्या है? तो अगर मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना दूं यहाँ पे ऐसा, तो मैं इस जगह पे लिखूंगा सी, कैपिटल सी, ए एस टी, कास्ट रूल। सी का मतलब होता है कॉस, ए का मतलब होता है ऑल, एस का मतलब होता है साइन, और टी का मतलब होता है टेन, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसा। अब इसमें मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट लेता हूं, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो कहां से कहां तक वेरी कर सकता है? 0 से लेकर के 90 तक, है ना। तो जो भी एंगल 0 से 90 के बीच में होगा
उसे मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलूंगा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या बोला जाएगा, जो भी एंगल्स 90 से लेकर के 180 के बीच में होंगे उसे सेकंड क्वाड्रेंट में बोला जाएगा, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। जो भी एंगल 180 से लेकर के 270 के बीच में होगा उसे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में बोलेंगे, और जो भी एंगल 270 से लेकर के 360 के बीच में होगा वो सारे के सारे एंगल किस में माने जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में बोला जाएगा। तो इससे फायदा क्या है, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं? तो बोला गया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा और बाकी सभी नेगेटिव होगा। कॉस पॉजिटिव हुआ तो सेक भी पॉजिटिव है, बेसिकली कहने का मतलब ये है, सेक भी पॉजिटिव है। लेकिन बाकी सारे साइन हो चाहे टेन हो चाहे और कोई हो, ये सारे क्या होने वाले हैं, नेगेटिव होने वाले। सेम है यहाँ पे तो ऑल पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और इस जगह पे सिर्फ टेन पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव बोलने का मतलब ये हो गया कि कॉसेक भी पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव बोलने का मतलब कॉट भी पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। लेट्स से फॉर एन एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला साइन 230 डिग्री, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव मुझे ये बताना है। तो 230 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो बताओ पहले, थर्ड 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 क्वाड्रेंट में सिर्फ नेगेटिव टेन, पॉजिटिव हो सकता है, तो इसे मैं बोलूंगा नेगेटिव। कितना होगा मैग्नीट्यूड में उसका कैलकुलेशन बाद में करेंगे। मान लो कि तुमसे बोल दिया गया टेन 330 डिग्री, बताओ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव 330, नेगेटिव 330 किस में आया, फोर्थ फोर्थ कॉर्नर क्वाड्रेंट, फोर्थ कॉर्नर फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होगा क्योंकि कॉस सिर्फ पॉजिटिव होता है उसमें, तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव। मान लो कि तुमसे बोल दिया एग्जाम्पल के लिए कॉस 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 420 डिग्री, बताओ ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव तो 420 कितना हो सकता है, 420 के लिए क्या करना पड़ेगा, 360 प्लस प्लस कितना सिक्सटी करें, प्लस 60 सिक्सटी है ना। इसको यस 420 को मैं लिख सकता हूँ 360 प्लस ऑफ 60 विच इज 420, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ये इस आ जाएगा फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी कोई पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है, क्या कास्ट रूल ये है हमारा और इसके लिए काम आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कन्वर्जन किस तरीके से करेंगे। बुक ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री और अगर हमारे पास साइन ऑफ एन पाई बाय टू प्लस माइनस थीटा गिवन है तो ये या तो साइन में कन्वर्ट होगा या तो कॉस में कन्वर्ट होगा। अगर हमारा एन इवन है तो ये साइन साइन में रहेगा और ये बनेगा साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे एक सामने प्लस माइनस है वो प्लस माइनस डिसाइड होगा कास्ट रूल से, जो कि अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे। और अगर इसमें एन ऑड हुआ तो ये साइन बन जाएगा कॉस, तो इसे मैं लिखूंगा कॉस थीटा। ठीक है, और सामने प्लस माइनस फिर से रहेगा, वो डिपेंड करेगा प्लस माइनस कास्ट रूल पे, तो ये अगर ऑड हुआ एन तो ऐसा, और ये चीज तुम्हारा प्लस माइनस कास्ट रूल से निकलेगा। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल कर लेते हैं, हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने बोला साइन ऑफ 150 डिग्री बताओ कितना होगा, तो साइन ऑफ 150 कितना हो जाएगा,
इसको करने के लिए पहले मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये फॉर्म कैसा है, एन इंटू स्टेडियो 90 प्लस ऑफ थीटा या फिर माइनस ऑफ थीटा, ऐसा मुझे कन्वर्ट करना है वैल्यू। तो साइन 90 प्लस 60 बोल सकता हूं, इसको और अच्छे तरीके से लिख रहा हूं मैं ताकि तुम्हें समझ में आए, 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस ऑफ 60। तो अब कंपेयर करता हूं एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा, तो अगर इसको कंपेयर करा मैंने तो एन का वैल्यू कितना आ गया 1, एंड थीटा का वैल्यू कितना आया 60। एन क्या है हमारा ऑड, तो चेंज होगा क्या, बिल्कुल चेंज होगा। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। कॉस कॉस्ट कितना होता है थीटा, तो कॉस 60 बन जाएगा। अब इधर प्लस होगा या माइनस, तो प्लस होगा या प्लस माइनस कास्ट रूल से डिसाइड होगा, और इस एंगल को देखेंगे, यहाँ पे जो चीज आ रहा है उसको नहीं, इस एंगल को हमेशा देखना है और इस साइन को देखना। तो 150 किस में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सी ए एस टी, एस क्या होता है पॉजिटिव, तो इसमें पॉजिटिव लेंगे हम लोग प्लस कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू हाफ वन बंदा बाई है टू, हाफ 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया क्या सबको, यस सर है ना? तो एक एग्जांपल तुम लोग कर लो। हाँ लो, हाँ बोलो। 180 -30 भी हो सकता है ना। हाँ चलो ठीक है, मैं उसी को अभी बताने वाला था कि देखो तुम 150 को ऐसा भी लिख सकते हो कि 180 माइनस ऑफ 30, तो क्या हमारा आंसर गलत आया क्या? नहीं, बिल्कुल सही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको प्रोसेस देखो अब थोड़ा अलग तरीके से करेंगे, 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस ऑफ 30 डिग्री। अब इसको कंपेयर करो एन पाई बाई टू प्लस माइनस थीटा से, तो एन का वैल्यू कितना हुआ 2, एंड थीटा का वैल्यू कितना हुआ 30 डिग्री। माइनस 30 मत लिखना, ध्यान से माइनस 30 नहीं लिखना है मुझे, थीटा 30 होगा सिर्फ। तो एन क्या है हमारा इवन, तो चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन में ही रहेगा और ये बनेगा 30 डिग्री, लेकिन साथ में आएगा प्लस माइनस साइन। अब ये प्लस माइनस साइन कास्ट रूल से डिसाइड होगा, कास्ट रूल से मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि वो क्या होने वाला है पॉजिटिव, तो प्लस साइन 30। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो चाहे तुम इस तरीके से निकालो चाहे तुम इस तरीके से निकालो, आंसर तो हमेशा सेम ही आने वाला है। समझ में आया क्या? अच्छा क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से। हाँ, साइन 210 डिग्री एंड दूसरा 10 210 डिग्री। चलो सर, इसको तो इसको ट्राई कर यस लेते सर। हैं। साइन 210 डिग्री है, तो क्या करा करो, इसको सिंपल बेसिक फॉर्म में लिखा करो। अगर तुम एक कन्वर्जन करने में बहुत बड़ा एंगल मान लो कि 1180 दे रखा है, तुम कैसे करोगे फिर? तो उसको सिंपल सा क्या करना, 210 लिखना और उसको 90 से डिवाइड करना, तो कितने बार में जाएगा, 2 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा 30। तो तुमने बचपन में लिखना सीख लिया होगा कि इस चीज को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 इंटू 90 प्लस ऑफ 30 ऐसे लिखते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस ऑफ 30, तो इस तरीके से मुझे इसको लिखना पड़ेगा। तो पहला वाला अगर करेंगे तो हो जाएगा साइन 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री, तो एन क्या हो गया हमारा इवन, तो ये साइन में ही रहेगा साइन 30। अब प्लस होगा या माइनस कास्ट रूल से डिसाइड होगा, तो 210 डिग्री जो है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो जिसमें कि साइन होता है नेगेटिव, तो माइनस ऑफ साइन 30 विच इज 1/2, ये आ जाएगा आंसर। अब 10 की बात करते हैं, तो 10 भी ऐसे ही लिखा जाएगा, 10 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस ऑफ 30, तो ये हो जाएगा, क्योंकि n इवन है हमारा तो इधर 10 में ही रहेगा, ये हो जाएगा 10 30 डिग्री।
साथ ही साथ प्लस माइनस। अब प्लस होगा या माइनस, तो 210 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ में टेन होता है पॉजिटिव, तो इधर पुट कर लेंगे प्लस 10 30, और 10 30 कितना होता है 1/√3, थर्ड ये हो क्वाड्रेंट और जाएगा। फ्रेज में सही है ना, सभी का सही आया हाँ सर, हाँ सर, है ना। यस सर, तो यहाँ पे जो मैंने कन्वर्जन बताया है इस जगह पे, ये साइन के जगह पे अब तुम चाहो तो कॉस लिख सकते हो। अगर कॉस लिखा जाएगा तो इस जगह पे पहले आएगा कॉस थीटा, और इस जगह पे आ जाएगा साइन थीटा। अब इस जगह पे तुम टेन भी लिख सकते हो, इस जगह पे अगर तुमने टेन लिख दिया तो ये हो जाएगा टेन और इवन होगा कॉस, तो टेन और टेन कॉस, में ही रहेगा, और ये कॉट में जाएगा। अब तुम इसको कॉट वाला भी बोल सकते हो कि अगर तुम्हारा ये कॉट रहा तो बेसिकली कन्वर्जन है ना। कन्वर्जन का स्टैंडर्ड चीज मैं बता दे रहा हूँ, साइन जो है वो कॉस में हो सकता है, और कॉस जो है वो साइन में हो सकता है। टेन जो है वो कॉट कॉट में हो सकता है, और कॉट टेन में हो सकता है। कॉसेक जो है सेक सेक वो सेक में हो सकता है, और सेक कॉसेक में हो सकता है। कुछ ठीक है, ये चीज बाकी तुमने पढ़ा ही पढ़ा है ना। इसके बाद फिर लेक्चर्स मैंने वैसे अपलोड कर दिया है, तो तुम वहां पे भी जाकर के देख सकते हो। इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा, अगर तुम्हें इसमें कुछ ना समझ में आए, रिवीजन करने की जरूरत है, तो वहां पे जाकर के तुम लोग देख सकते हो। क्लियर है क्या?